हेलो दोस्तों, सामुंडा इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पास यहाँ पे सैमसंग का विशेष का टीवी रिपेयर होने के लिए आया है दोस्तों। और उसमें प्रॉब्लम ये है, आउटपुट बार बार शॉर्ट हो जाता है। आउटपुट का प्रॉब्लम है, उड़ना 1803 आता है हमारा जो, वो शॉर्ट हो जाता है। अभी आपको मैं टीवी स्क्रीन पर यहाँ पर देखिए, हमें आवाज़ मिल रहा है, टिक 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 आवाज़ यहाँ पर देखिए, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इंडिकेटर कोई शो नहीं हो रहा है, लेकिन हमारा आउटपुट शॉर्ट है। अभी यहाँ पे टीवी को पलट के आपको दिखा देता हूँ। अभी दोस्तों टीवी को खोल लिया है। अभी जो इसका जो मेन कारण है आउटपुट शॉर्ट होने का, वो आपको रीज़न बताता हूँ यहाँ पे दोस्तों। पहला इसका रीज़न ये है, ये हमारा जो एसटीआर पावर सप्लाई है, इसमें जो पावर सप्लाई में कोई गड़बड़ी आ जाए, ज़्यादा वोल्टेज आ जाए, हमारा बल्ब वो ब्लिंकिंग करने लगे, तभी हमारा आउटपुट शॉर्ट हो सकता है। और यहाँ पे दूसरा प्रॉब्लम है, ये हमारी ईएसटी कोयल ख़राब हो जाती है, तभी भी हमारा ये आउटपुट उड़ सकता है। और यहाँ पे देखिए, ये कोयल हमारी लगी हुई रहती है, ये कोयल भी ख़राब हो जाएगी, तभी हमारा आउटपुट उड़ जाएगा। और अभी चौथा स्टेप हमारा है, ये यहाँ पे ड्राइवर ट्रांजिस्टर, ये कोयल ख़राब होने से और ये कैपेसिटर ख़राब होने से भी हमारा ये आउटपुट ख़राब हो सकता है। और यहाँ पे पांचवा मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये पीएफ भी ख़राब हो जाता है, तभी आउटपुट हमारा शॉर्ट हो सकता है। अभी हमें पता नहीं है, अभी हम यहाँ पे कौन सा जो हमारा सेक्शन है वहाँ से आउटपुट शॉर्ट हो रहा है, अभी मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। अभी यहाँ पे किसी भाई ने इसमें आउटपुट भी डाल के रखा है, यहाँ पे देख सकते हो। अभी मैं आपको यहाँ पे, ये हमारा मल्टीमीटर है यहाँ पे ऑटो रेंज में, उससे हम आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे आउटपुट। यहाँ पे देखिए, अभी आउटपुट को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। पहले यहाँ पे अभी आपको बाहर निकल के भी चेक करा देता हूँ यहाँ पे। देखिए दोस्तों, अभी इसे साइड में रख देता हूँ। और यहाँ पे हमें दोस्तों यहाँ पे बल्ब जोड़ना है, जो 100 वोल्ट का बल्ब है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। अभी हमारी 110 सप्लाई ओके होनी चाहिए, 110 वोल्ट सप्लाई हमारी ओके नहीं होगी तो हमारा आउटपुट शॉर्ट हो सकता है। अभी यहाँ पे वोल्टेज भी दिखाऊंगा, और यहाँ पे देखिए लगा दिया है। अभी यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ, पहले देखिए यहाँ पे मीटर में, अभी यहाँ पे ऑन कर लिया है। यहाँ पे देखिए वोल्टेज दोस्तों, यहाँ पे देखिए हमारा परफेक्ट बन रहा है, लेकिन यहाँ पे कभी कभी यहाँ पे फ्लक्चुएट होता है। देखिए मीटर में देखिए 110 वोल्ट आ जाता है, लेकिन यहाँ पे देखिए, अभी दिखाता हूँ आपको, देखिए फ्लक्चुएट हुआ। अभी यहाँ पे आपको, यहाँ पे देखिए हमारा जो यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम कभी कभी हमें पावर सप्लाई में देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, ये 110 वोल्ट बनता है और वापस यहाँ पे जो हमारा पावर सप्लाई है वो ये टीवी हमारा वापस स्टैंड बाय में चला जाता है, क्योंकि पावर सप्लाई में गड़बड़ी है यहाँ पे। अभी यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ आपको, शायद देखिए अभी यहाँ पे हमारी जो एलईडी ब्लिंक कर रही है, यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ जो जो हमें पार्ट यहाँ पे पावर सप्लाई ओके बनाना है, तो आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे वोल्टेज चेक करके। अभी दोस्तों पहले हम समझ लेते हैं, ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ से एक रजिस्टर आया हुआ है, यहाँ पे हमारा जो एक 431 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, और यहाँ पे
देखिए यहाँ से इतने रजिस्टर लगे हुए हैं और कपलर आईसी में यहाँ पे देखिए आता है। अभी यहाँ पे कपलर आईसी पे कितना वोल्ट बन रहा है यहाँ पे चेक करता हूँ। देखिए यहाँ पे 4 वोल्ट यहाँ पे बन रहा है और वापस स्टैंड बाई में चला जा रहा है। अभी ये ट्रांजिस्टर को हमें रिप्लेस करना है। पहले ये ट्रांजिस्टर ख़राब हो सकता है, तभी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पे जो जो रजिस्टर है उसको भी चेक करना पड़ेगा और वोल्टेज को फिक्स करेंगे। अभी पहले चेक ही कर लेता हूँ ट्रांजिस्टर को, हमारा जो ट्रांजिस्टर है सही है या खराब है। डायोड रेंज में ले लेता हूँ दोस्तों। अभी दोस्तों ये मीटर नहीं चलता है इसमें, यहाँ पे दूसरा मीटर ले लिया है, ऑटो रेंज वाला नहीं चलता है। अभी यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए ये सही है हमारा, यहाँ पे हमारी रीडिंग आ रही है देखिए। अभी दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे जो रजिस्टर लगे हैं वो तो रजिस्टर को हटा देते हैं पहले। यहाँ पे देख लेता हूँ, ये सारे रजिस्टर को हमें चेक करना है। अभी जो हमारे पास ऑटो रेंज का मल्टीमीटर है उससे हम पता लगाएंगे कि हमारा कौन सा रजिस्टर खराब है। सैमसंग में दोस्तों ऐसा प्रॉब्लम आया है तो हमें ये वाला रजिस्टर और ये वाला रजिस्टर को चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे ये रजिस्टर हमारा देखिए यहाँ पे 180 के दिखा रहा है, ये सही है। अभी ये वाला रजिस्टर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे कितना वोल्ट कितना दिखा रहा है, कोई वैल्यू हमारी यहाँ पे 2.7K दिखा रहा है दोस्तों। ये हमारी वैल्यू शिफ्ट हो गई है, ये रजिस्टर ख़राब है। यहाँ पे जो हमारा सप्लाई के लिए पावर सप्लाई बनाने में काम करता है, अभी इसे मैं बाहर निकलता हूँ और कोई भी सर्किट हो एसटीआर वाली वो आप आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये 123 के का रजिस्टर है, 123 के, इसकी जगह पे हमें 120 के का रजिस्टर डाल के चेक करते हैं और आपको यहाँ से यहाँ पे डाल के दिखाते हैं। देखिए अभी यहाँ पे सोल्डरिंग कर लेता हूँ और हमारा जो सेट है वो ऑन होता है या नहीं, और भी आउटपुट भी लगा के आपको वीडियो भी दिखा देंगे। अभी यहाँ पे एक रजिस्टर लिया है 120 के का, मीटर में भी दिखा देता हूँ। अभी यहाँ पे रजिस्टर को लगा के वोल्टेज यहाँ पे चेक करके दिखाऊंगा और आउटपुट भी डाल देंगे। आपको जो वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, क्योंकि आपके लिए ही मैं वीडियो बनाता हूँ। लेकिन मेरे पास तो 2 शॉप है और मुझे YouTube में पूरा रस है, जो हमारे कारीगर भाई जो देख रहे हैं उसके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। अभी यहाँ पे देखिए ये लगा लिया है, अभी यहाँ पे कटिंग कर लेता हूँ पहले। अभी ऑन करके यहाँ पे वोल्टेज आप मीटर में फोकस कीजिए, पहले कितना वोल्ट यहाँ पे आ रहा है हमारा, देखिए 100 वोल्ट आया और यहाँ ऑन होगा 10 बाई से, देखिए 10 बाई से ऑन हो गया। यहाँ पे हमारा फ्लक्चुएट हो रहा था और अभी ओके हो चुका है। अभी यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए अभी हमारा 100 वोल्ट का बल्ब अभी ब्लिंकिंग नहीं हो रहा है, देख सकते हो। अभी यहाँ पे जो हमारा आउटपुट है वो यहाँ पे डालता हूँ, यहाँ पे देखिए वोल्टेज यहाँ पे भी बन गई है, यहाँ पे देख सकते हो। अभी फटाफट से लगा लेता हूँ और उसके बाद लगाने के बाद यहाँ पे आपको दिखाता हूँ।
यहाँ पे दोस्तों चेक करने के लिए लगाया है, ये हमारा आउटपुट यहाँ पे गर्म नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ पे देखिए, अभी इसको मैं ऑन करता हूँ और टीवी स्क्रीन पर भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, अभी देखिए ऑन किया, वोल्टेज देखे तो हमें वोल्टेज प्रॉपर मिल चुका है। अभी टीवी स्क्रीन पर भी आपके लेके चलता हूँ। अभी दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑन हमने कर लिया है। अभी यहाँ पे टीवी स्क्रीन पर हम आपको तो वीडियो भी दिखा देते हैं। अभी देखिए यहाँ पे, अभी यहाँ पे देखिए पिक्चर हमारा आ चुका है दोस्तों। जो आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।